नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निधि गर्ग है। मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। आज आप लोगों को सबसे पहले लाइव में मिलती हूँ और आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है, जिसके लिए मैं दो शब्द कहना चाहती हूँ कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काकू लागे पाई, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो मिलाए। यानी अगर हमारे सामने गुरु और गोविंद यानी हमारे भगवान खड़े होते हैं, तो सबसे पहले हमें किसके चरण स्पर्श करने चाहिए? तो कबीर जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति है जो मुझे अपने गोविंद यानी परमात्मा से मिलने का रास्ता बताता है। तो परमात्मा से भी पहले हमें अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। आज मैं अपने सभी गुरुओं को, जिन्होंने भी जीवन के कदमों पर चलते हुए इन रास्तों को तय करते हुए मेरा साथ दिया है, हमेशा मुझे ज्ञान दिया है, चाहे वो माता पिता के रूप में हो या कोई टीचर के रूप में हो, जो चाहे बचपन के टीचर हो या जीवन पथ पर चलते हुए बहुत सारे लोग, जिन्होंने भी मुझे ज्ञान दिया है, जिससे मैं अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से चला पाई हूँ और आगे चलते हुए भी लोगों के जीवन में कैसे मुझे वैल्यू ऐड करनी है, वो सब कुछ सिखाने वाले सभी गुरुओं को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। आज 21 जुलाई को हम गुरु पूर्णिमा के रूप के में मनाया जाता है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर नीतू गुप्ता जी लिख रही हैं, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू मैम, आप भी हमेशा खुश रहें और हमारे साथ बनी रहें। आपका मैं वेलकम करती हूँ आज की लाइव में। साथ ही जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रश्न पूछे थे, उनके आंसर दिए जाएंगे। मन में कहीं पर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी से लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग यहाँ पर आकर अपने जीवन में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, कुछ नई नई बातें जानना चाहते हैं, वो लोग आ जाएं। चलिए, सबसे पहले किसी व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था, किसी लड़की ने प्रश्न किया था कि हम पति पत्नी आपस में अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें रिश्ते को सफल बनाने वाली कुछ बातें बता दीजिए। जिसमें आज मैं आपके साथ 5 ही ऐसी बातें शेयर करूंगी जिससे आप अपने पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत कर सकें।